शिंदे सरकार है तो आप क्यों नहीं बातचीत करके मुंब्रा शहर के सारे मसले हल कराते? कि बीजेपी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को तोड़ रही है। कौन डरा है, कौन नहीं डरा है, किसको डरना चाहिए, ये सब तो उन्हीं की शक्ल पे दिखाई देता है। मुंब्रा में कौन सा योजनाएं आई है मुझे बताइए। उन्हें काम ही नहीं करना है, उनको तो सिर्फ गटर बोलो तो निधि नहीं है, स्कूल बोलो तो निधि नहीं है, रास्ता बोलो तो निधि नहीं है। हाँ, लेकिन अगर खासदार और कोई और बनाएगा उसपे नाम बिल्कुल लिखना है। यहाँ पर का कब्रिस्तान की जगह खाने वाली कौन है, फ्लटर हाउस की जगह खाने वाली कौन है? फ्लाईओवर की बहुत जरूरत है, आप बनवा दो ना। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। महाराष्ट्र की राजनीति में कल से जिस तरह से उलट फेर हुई है, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में शिंदे गुट और बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अब जो है इसमें जो तीसरी एनसीपी पार्टी से जो अजीत पवार दादा है वो शामिल हो गए हैं और अपने साथ में और भी कई विधायकों को लेकर शामिल हुए हैं। ऐसे में जो कलवा मुंब्रा के एनसीपी के विधायक है जितेंद्र आवाड, उनके इलाके में कहीं ना कहीं जो है अब इस तरह का बैनर दिखाई दे लगाया गया है। ये समाज सेविका रीता रसिद की तरफ से लगाया गया, हालांकि कहीं ना कहीं जो है ये भी बीजेपी पार्टी से ही ताल्लुक रखती है, लेकिन किस तरह से जो है राजनीति करवट ली महाराष्ट्र में और डबल इंजन से अब ट्रिपल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में बन गई है, क्या बताना चाहेंगी? आपने बैनर भी लगा दिया है। देखिए, यही बताना था जो काम चल रहा है महाराष्ट्र में और जो सरकार हमारी देश में कर रही है वही महाराष्ट्र में भी काम चल रहा है। और जब अजीत पवार जी आए हैं और जब उनको भी DCM बने हैं तो मुझे लगा मुंब्रा में क्यों नहीं उनका बैनर लगाया जाए और उनका स्वागत और उनको अभिनंदन किया जाए। तो वही बैनर लगाया मैंने और उनका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। अच्छा, आपने बैनर में लिखा है ये तो बस झांकी है, चाणक्य खेल बाकी है, अभी कौन सा खेल बाकी है? देखिए, खेल तो बहुत सारे बाकी है, जैसे कि अभी मैं हम लोग चाणक्य, अगर कल से अगर ये टाइटल मिला है तो मैं तो बोलूँगी एक ही चाणक्य इस महाराष्ट्र में है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह से भी दुआ करते हैं अगर कभी देश में चाणक्य का अगर जिक्र हो तो वो हमारे देवेंद्र जी का हो, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से महाराष्ट्र को संभाला है, जिस तरीके से आज वो काम कर रहे हैं, तो सच्ची बहुत सराहनीय है और बहुत अच्छा लगता है ऐसे नेता के साथ हम भी जुड़े। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग रहा है बीजेपी पार्टी पर कि ईडी के डर की वजह से जो है ये लोग शामिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो एक विपक्ष है वो खत्म किया जा रहा है। देखिए, ये जो आरोप लगाने वाले होते हैं ना, ये कामचोर होते हैं, इनको काम तो करना होता नहीं है, इनको बस आरोपबाजी करना होता है। तो ये आरोप लगाने वालों पे तो सुनना भी नहीं चाहिए, इनको तो देखना भी नहीं चाहिए। तो ये आरोप लगाने वाले पे तो मैं टिप्पणी भी नहीं करना चाहती हूँ। तो बस खुशी का मौका ये है हमारा महाराष्ट्र भी अभी और आगे जाएगा और आगे जो इस तरीके से योजनाओं पे काम होना चाहिए था, जिस तरीके से मुंब्रा का ही मैं उदाहरण ले लूं, मुंब्रा में कौन सा योजनाएं आई है मुझे बताइए, एक योजना बताइए मुंब्रा में लागू हुआ है करके, एक ऐसा कोई कार्ड बताइए यहाँ के नागरिक को दिया गया है यहाँ के आमदार और यहाँ के नगर सेवक के जरिए से। तो मुझे लगता है अभी यही काम इधर भी होगा महाराष्ट्र के। तो देखो, बहुत सारे नेता है जो महाराष्ट्र की बात करेंगे, मैं जहाँ खड़ी हूँ मैं वहाँ की बात करूँगी, तो बस यहाँ पर भी वो सब काम होगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग सभी मिलके ये सब काम करेंगे। इस तरह से 2024 में सभी विपक्ष एक होने वाले थे, कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार जो है वो विपक्ष से डरी हुई है। कौन डरा है, कौन नहीं डरा है, किसको डरना चाहिए, ये सब तो उन्हीं की शक्ल पे दिखाई देता है। कौन बोलते बोलते कपता है, कौन सर और हाथ बुझाता है, तो ये सब बातें ना करे और ना ये लोग बोले तो ही अच्छा है। बस विकास के तरफ देखें और लोगों की अच्छाई हो, लोगों में काम हो, लोगों के पास योजनाएं पहुंचे, लोगों को सरकार के जो लाभ है वो मिले, उसके बारे में सोचना चाहिए। बाकी तो ये सब बोलने वाले हैं, बोलते रहेंगे, इनके पास ना सोचते हुए आगे काम का सोचना चाहिए। जो आज हो रहा है बस उसी की खुशी मनानी है। आज तो ये हो रहा है कि बीजेपी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को तोड़ रही है, तो आप विपक्ष को तोड़ने की खुशी बना रहे हैं। देखिए, कौन तोड़ रहा है, कौन नहीं तोड़ रहा है और कौन काम की बातें कर रहा है, तो मेरे को उसी पे ध्यान है। जो विरोधी है वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। विरोधियों को काम धंधा नहीं, मैं वही तो बोल रही हूँ, उनके पास काम ही नहीं है, उन्हें काम ही नहीं करना है, उनको तो सिर्फ गटर बोलो तो निधि नहीं है, स्कूल बोलो तो निधि नहीं है, रास्ता बोलो तो निधि नहीं है। हाँ, लेकिन अगर खासदार और कोई और बनाएगा उसमें नाम बिल्कुल लिखना है,
तो ये काम चोर वालों की बात ही नहीं करनी है मुझे, बस तरक्की की बात करनी है। और जो हिसाब से आज महाराष्ट्र में काम हो रहा है और जो आगे भी चल के होगा, बस उसी को देखना है और उसी पे हमें भी काम करते रहना है, ना कि इन लोग का सुन के इन लोग पे टिप्पणी का और इनको जवाब देते बैठना है। देखिए मुमरा में क्या हुआ है, मुमरा कलवा विधानसभा में अगर मैं योजनाओं की बात करूं, अगर मैं गरीबों को मदद की बात करूं, तो क्या हुआ है यहाँ पर, कुछ मददें हुई है। हॉस्पिटल अगर करोड़ करोड़ रुपया लगा के हॉस्पिटल बना है, प्राइवेट करने की बात किसने की, यहाँ के आमदार ने की, यहाँ के एनसीपी के लोगों ने किया। यहाँ पर स्कूल बता दो मुझे सरकारी है, यहाँ पर की कोई भी चीज़ बता दो, यहाँ पर का कब्रिस्तान की जगह खाने वाली कौन है, स्लॉटर हाउस की जगह खाने वाली कौन है, यहाँ पर औरतों की बेइज्जती करने वाली कौन है, भुड़कों में औरतों की इज्जत उछालने वाली कौन है। तो इस तरीके से आमदार लोग जब काम करेंगे एनसीपी के, ठीक है, अभी अभी कैसे रहेंगे, अभी जो है जिंदे सरकार है, तो आप क्यों नहीं बातचीत करके मुमरा शहर के सारे मसले हल करा दे। इसलिए तो मैंने कहा है एक फ्लाई ओवर की बहुत जरूरत है, आप बनवा दो ना। यही तो कहा है, अभी तो झांसी है, अभी चाणक्य का बहुत सारा काम बाकी है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत सारा काम होगा। बस लोगों ने यकीन करना चाहिए, झूठी बातों पे नहीं जाना चाहिए। इन लोग की झूठी बातें आज हमारे सामने हैं, आज मुमरा कलवा के सामने है सब झूठी बातें, झूठे काम, कितना खाया गया है हम लोग के नाम से। तो इसलिए जनता को याद रखना पड़ेगा और इनको तमाचा मारना पड़ेगा इस बार। बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखती है रिदा रशीद और कहीं ना कहीं मुमरा शहर में एक सामाजिक तौर पर ये काम करती है, लेकिन आप देखेंगे कि अब महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी और शिंदे गुट शिवसेना की सरकार को अजीत दादा पवार का समर्थन मिला है, इनके साथ में और भी कई विधायक जो है गए हैं और कई विधायक संपर्क में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि एनसीपी के अब जो है वो दो धड़ हो गए, यानी दो भाग हो गए हैं। ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि एनसीपी पार्टी को आखिर कितना नुकसान होता है या कितना फायदा होता है।